सीएचसी घोटाले की 5 करोड़ की राशि से आरोपी हीरालाल ने बेला की बावड़ी पर होटल का निर्माण किया है। यह घोटाला खुलासा घोटाले से सामने आए खाताधारक के पूछताछ में हुआ है। खाताधारक ने बताया कि उसी हीरालाल ने बेला की बावड़ी पर नमन राज होटल और रेस्टोरेंट का निर्माण करने के लिए खाते में राशि ट्रांसफर की थी। इस होटल की बिक्री रोकने के लिए एसएसपी ऋषिकेश मीणा ने एसडीएम को पत्र लिखा है। जांच 19 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ भी पहुंच सकती है। जो कि घोटाला उजागर हुआ है वो 2018 के बाद का है, जबकि विभागीय सूत्रों के अनुसार घोटाले की यह प्रक्रिया उससे भी काफ़ी पहले से चल रही थी। इस घोटाले में ट्रेजरी के अधिकारियों समेत कई सेवानिवृत्त अधिकारियों के भी दायरे में आने की संभावना है। अभी इस मामले में 2018 के बाद नए सॉफ्टवेयर के प्रचलन के दौरान तैनात रहे 7 कार्यपालन यंत्रियों समेत खाताधारकों को ही आरोपी बनाया गया है। इसमें जैसा कि आपको मालूम है कि एक ऑडिट रिपोर्ट में जो पीएचई डिपार्टमेंट है उसमें लगभग 15-16 करोड़ का घोटाला एक सामने आया था। उसी के आधार पर क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर की जाँच चल रही है, उसी में एक डॉक्यूमेंट जाँच जो ट्रेजरी विभाग में हुई थी वो हमने वो जांच कंप्लीट हो गई ट्रेजरी विभाग में, और हम काफ़ी दिनों से ट्रेजरी विभाग से वो जांच हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें संलग्न करना चाह रहे हैं।